बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल का हमारा टॉपिक और उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। और ये है कि एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ सिंगुलर फॉर्म में ये आता है द, और उसकी पूरी कम्युनिटी को शो करता है। द सैलरीड मैन फाइंड्स लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। द सैलरीड मैन, एक एक मैन की बात हो रही ना, लेकिन जब द सैलरीड मैन आ गया तो और आगे फाइंड लाइफ इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, तो द सैलरीड मैन का मतलब फिर सिर्फ एक मैन नहीं रहा। द लगने से अब इसका मीनिंग जनरलाइज हो गया है, तो हर सैलरीड मैन की बात हो रही है। मतलब ये रूल नंबर 4 के साथ किसी हद तक एसोसिएटेड है, लेकिन रूल नंबर 4 में जो द है वो स्पीशीज़ की सेंस में चला जाता है, बहुत बड़ी सेंस में चला जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक लोगों में से एक लोग को, एक एक बंदे को निकाल के उसकी बात की गई है। ठीक है, आप इसको कहते हैं द टीचर इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन सोसाइटी। ठीक है, द टीचर इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन सोसाइटी। तो द टीचर का मतलब यहाँ पे कोई एक टीचर नहीं है, सारी टीचिंग कम्युनिटी है। तो सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को मेंशन करने के लिए उसके साथ द का वर्ड यूज़ किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।